अब की बार किसकी सरकार? मोदी की, ये बताओ। डेरावा लोली पो के चक्कर में क्या मैं दे दो वोट और मुंह बदल ले लो पैसा। मोदी सरकार हाँ अच्छा काम किया हमारे पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों से हम जिंदा हैं, पड़ोसियों का दबाव है हमको देना, इसलिए हम तो भाई गठबंधन वाली सरकार को ही वोट देंगे, क्योंकि अखिलेश जी ने इतना काम किया था बहुत ज्यादा। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। सरकार अब की बार गठबंधन की आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनता जनार्दन, जिनसे हम जानेंगे अब की बार किसकी सरकार, आखिर किस झंडे पर होगा सबसे अधिक रुझान, किसकी बनेगी देश में सरकार, कौन बनेगा जनता का नेता, ये जानेंगे हम ओपिनियन पोल विद जनता में। क्या नाम है आपका? राम है सर। अब की बार किसकी सरकार? मोदी की, ये बताओ। अब की बार मोदी सरकार, क्यों मोदी सरकार बनाना चाहते? मान सब काम सही करे। क्या आपके लिए क्या किया? अरे साहब लेटर नहीं बन रहे हैं, 2000 रुपया बुक करिए। ओए कहाँ पर कमाई आ रही? हम तो साहब जाइए से कह रहे हैं। बाबूजी आप बताइए अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस सरकार। जब मोदी ने जे लेटरने के पैसा डाले 6000 रुपया और 6000 अभी तक आए ना, और गरीब ने के आए ना और खेत वाले 2000 रुपया डेरावा लोली पो के चक्कर में क्या मैं दे दो वोट और मुंह बदल ले लो पैसा, और हमें 6000 रुपया में जो हम धर के बैठे हैं वाले लोली पो तो हम कौन की वोट दें? हम देंगे राज बब्बर है, राज बब्बर को वोट देंगे, राज बब्बर देंगे। भाई साहब किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी 4 महीने में 2000 रुपये, यानी कि एक दिन में 1650 रुपए एक परिवार में, क्या खर्चा चल सकता है 1650 रुपए में? कैसे चल जाओ? वैसे तो हमारे गांव में तो बेस्कार है, चुनाव पीरियड में सबसे ज्यादा समस्या तो पुलिया की है ना, रेलवे लाने की। सामने वाले तो देखा ना जाए, कौन जानता है सुलरई वाले है? कौन जानता है? चुनाव है इसलिए सुलरई आती है, नहीं किसी ने आज तक देखा नेता ने। अब की बार किसकी सरकार? राज बब्बर की। राज बब्बर को जिताएंगे। कमल सिंह रघुवंशी है और मैं टीचिंग करता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी जो हमारे भाई साहब हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ, जब भी इलेक्शन आता है सभी लोगों को, सभी गांव, सभी लोकसभा क्षेत्र याद आ जाते हैं, वो तो सभी नेता होते हैं ना। वास्तविक मुद्दा ये है कि जो कहते हैं वो करते कितना है। अब उन्होंने ये 6000 रुपये वाला जो किया है उसमें कुछ होने वाला है नहीं, बाकी ये है कि उन्होंने ये कर दिया कि हाँ हमने ये काम किया था, किसानों का कर्ज था वो माफ नहीं हुआ। अब की बार हम लोगों ने ये मीटिंग की है कि हम वोट जिसको भी डालेंगे उसको डालेंगे जो हमारा काम करवाएगा। वैसे तो हमने वोट का बहिष्कार कर रहा है ये पूरा गांव। अभी जैसे 2000 की जो किस्त एक तो आ गई है, एक अगले महीने आने की संभावना है, तो आपकी आ गई है किस्त? ना हमारी नहीं आई है। नहीं आई है? गाँव में कितने लोगों की आई है? पता नहीं है गाँव में कितने लोग हैं, कम से कम आ गई होगी तो 2-4 की आएगी होगी। 2-4 लोगों की आई? हाँ हाँ। बाकियों की नहीं आई? नहीं आई है। तो अब की बार किसकी सरकार? राज गब्बर की। राज बब्बर को जिताएंगे? हाँ। क्यों जिताएंगे? बढ़िया काम करो राज गब्बर ने, तो इस चक्कर में केंद्र जी अगर राज गब्बर को वोट देंगे हम। तो राज बब्बर ने कम, आपने देखा है उनका शासनकाल? बिल्कुल देखा है, 2009 से पहले। 2009 से हाँ पहले देखो, हाँ खूब बढ़िया केंद्र जी रोड बोर्ड बनी है। मोदी सरकार। मोदी सरकार को वोट देंगे? हाँ अच्छा काम किया हमारे पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों से हम जिंदा हैं, पड़ोसियों का दबाव है हमको देना, मोदी सरकार। ये दबाव में वोट देंगे लेकिन दिल से वोट नहीं देना चाहते? दिल से वोट तो नहीं देना चाहते हैं, दबाव से वोट देना चाहते हैं। क्या दबाव है? दबाव है पड़ोसियों का, वो हमें जीने नहीं दे रहे हैं और जीना दुर्लभ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ मोदी सरकार को हम वोट देंगे पूरे इत्मीनान। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, ये हम यहाँ के भाई साहब आप बताइए। मोदी सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? मोदी। आप किसको देंगे वोट? मोदी को। मोदी को? क्यों देंगे मोदी को? मोदी से संतुष्ट है, गैया ने की गैया हमारी यहाँ से जानी चाहिए, गाय नुकसान कर रही है हमारे यहाँ खेतों में, नुकसान कर रही है। अच्छा आप बताओ आपकी क्या सरकार? मोदी को देंगे। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अरुण है। अरुण, ये तुम जो आलू बीनने का काम कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो? हैं? पढ़ाई करते हो? यस। पैसे? 9th में पढ़ता हूँ पर पैसे नहीं है। हाँ। पैसे की मजबूरी के पैसे आप ये कर रहे हैं? यस। और कौन कर रहा है आपके साथ में? पापा करते हैं, हम बहन करती है। हाँ। और मम्मी करती है।
अच्छा, तो ये बताओ कि आप जो सरकार बनेगी किसका आपको लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? हमको हमको वो देगा वो बस वो कुछ कछु दे। सरकार बनेगी उसका तो फैसला लेंगे ही, लेकिन किसानों को जो लाभ होना है वो लाभ नहीं है किसानों को। गायों का बहुत ही बड़ा तबाह है, ये देखो कि गाय किसानों को इतना परेशान कर रही है कि ये फसल तो तबाही हो रही है, फसल में इतना बड़ा नुकसान है पशुओं का कि किसान बर्बादी होते जा रहे हैं। और किसान का जो लागत है वो भी अच्छी तरह जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही किसान। सरकार कहती थी मोदी सरकार के किसान का लागत मूल्य मिलेगा, मिला है आपको? नहीं, अभी तो हमें तो अभी लागत मूल्य मिल नहीं पाया है। मैं तो आपको बात बताऊं, नहीं लागत मूल्य जो लग रहा है आलू के अंदर वो पैसा अभी वापस कहाँ आ रहा है? अभी तो कोई वापस पैसा नहीं आया हमारा। पैसा आएगा ये तो किसान चाहता है कि किसान का लाभ मिले, किसी सरकार से मिले उसी को वोट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार दो दो मजबूत बनने के लिए देश को किसी तरीके से मजबूती मिलनी चाहिए, किसान से, जवान से या मजदूरी से या किसी भी तरीके से उसी को वोट देंगे, हम देश के विकास को वोट देंगे, हम किसी भ्रष्टाचार को उसको वोट देने वाले नहीं है। भाई साहब आप बताइए, इस वक्त हम मौजूद हैं एक चाउमीन वाले भाई साहब के पास में, इनसे पूछेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। भाई साहब बताइए क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। मंगल सिंह जी, किसकी सरकार बनाएंगे अब की बार? भैया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्व बहुमत से बनेगी अब की बार गठबंधन वाली सरकार। चाउमीन का काम आप कब से करते हैं? 4 साल हो गए भैया हमें चाउमीन का काम करते करते। तो मोदी सरकार जब आई थी आपको याद है कि जब कहते थे कि अच्छे दिन आए? याद है हमें, अच्छे दिन आए। दिल्ली में से काम पे गए थे, जब ही गए थे काम, जब मोदी जी की सरकार आई थी तो नोटबंदी से हमें इतना घाटा हुआ था कि क्योंकि हम वहाँ से आ रहे थे जब हमें पैसे ही नहीं थे किराए के लिए भी, तो 500 नोट 250 रुपये में चला के आना पड़ा हमें। 500 का नोट 250 रुपये में चला के आना पड़ा, तो इतना बहुत घाटा पड़ा था हमें। इसलिए हम तो भाई गठबंधन वाली सरकार को ही वोट देंगे, क्योंकि अखिलेश जी ने इतना काम किया था बहुत ज्यादा। तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन नहीं आए, बहुत ही बेकार दिन आए हमारे। तो मोदी को जाएगी सीधी, मोदी को वोट देंगे। क्या क्यों दे रहे हैं आप वोट मोदी को? अरे बढ़िया आदमी है मोदी, के जो देश के लिए सही आदमी है, जो जाएगी देश के लिए भलाई कर रहे हैं इसलिए देंगे। बढ़िया। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार गठबंधन की सरकार। क्यों बनाना चाहते हैं गठबंधन? गठबंधन की सरकार ये बनाना चाहते हैं क्योंकि योगी मोदी योगी सरकार ने जितने भी वादे किए शिक्षा मित्रों के प्रति कोई काम नहीं किया, इसलिए हम गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं कि आगे कुछ अच्छा करेंगे और आगे सरकार वो बहन जी या गठबंधन में से कोई प्रधानमंत्री बने उसका सहयोग करेंगे। भाई साहब आप बताइए, मोदी सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए आपके? अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आए हमारे, तो बिल्कुल जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए सरकार दूसरी बदलनी चाहिए, नया प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या काम करते हैं आप? शिक्षा मित्र। आप शिक्षा मित्र हैं, तो आपको सहायक शिक्षक बनाने का वादा किया था? हाँ किया था, हटा दिया। तो किसको वोट देंगे आप? अब गठबंधन दोगे? गठबंधन को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को, सिर्फ मोदी। मोदी ने विकास कराया है, देश के हित का काम किया है, देश में ताकत दी है, और मोदी को ही वोट देंगे। ओनली मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मोदी के और कुछ नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर हम जान रहे हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता से कि अब की बार किसकी सरकार, कौन होगा जनता का नेता, किसको चुनेगी यह जनता अपना नेता। भाई साहब क्या नाम है आपका? चंद्रपाल से। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। आपकी यार मोदी सरकार, मोदी सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? मोदी सरकार वो देश के लिए हित कर रहा है, देश के लिए सोच रहा है, और सब लोग तो अपनी अपनी देखते हैं, वो देश के लिए सोच रहा है। आप क्या काम करते हैं? हम तो खेती करते हैं। खेती से खुश हैं? खुश हैं, बढ़िया है। ठीक भाई साहब आप बताइए, हम भी किसकी सरकार? मोदी सरकार। आपकी यार मोदी सरकार, हाँ खुश है, काम बढ़िया कर रही है मोदी सरकार। हाँ और क्या चाहिए? किसकी सरकार? कांग्रेस। क्यों क्यों? कांग्रेस जो, कांग्रेस का मतलब देश है ये, कांग्रेस को देश नहीं हो, कांग्रेस के नेता लोग शहीद भैया जामे। हाँ। अच्छा बीजेपी का कोई मरवा जामे देखा तो? तो अच्छा मोदी प्रधानमंत्री, मोदी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मरे गई, राजीव गांधी मरे गो, और सुन लो महात्मा गांधी मरे जाई, मतलब कांग्रेस में ही। हाँ। बीजेपी के तो पलवी प्रणाम असगार भैया भाई। हाँ। जैसे बाप कमा के धत्ते तो बेटा उड़ावा जो धुआंधार, तो जैसे मोदी बाबा तैयार। वो तो अब की बार किसकी सरकार? वो कांग्रेस की सरकार। ठीक है बाबूजी आप बताइए, क्या नाम है आपका? चंद्रवान। अब की बार किसकी सरकार?
हाँ साहब कांग्रेस ही की सरकार है हमारी तो। कांग्रेस की सरकार हाँ। क्यों मनाएंगे? यूँ मनाएंगे कि ये झूठे वादे कर रहे हैं, जो भाजपा की सरकार है सब झूठे वादे किए हैं। जितनी लैट्रिन बनी है सब गड्ढे खुदे रह गए। 6000 रुपये में का लैट्रिन बन जाएगी और अब तुम बताओ जितने वादे किए हैं जो किसानों ने के दो हजार रुपये की जो बात कर रहे हैं ना, अब दो किसानों ने मिल जाए और 100 किसानों को नहीं मिले तो फिर क्या है? ये झूठी सरकार है कि नहीं है? तो इस वजह से हम वोट राज बब्बर जी को देंगे। हम गब्बर सिंह हैं। अब की बार किसको वोट देने जा रहे हैं आप? हम कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। कांग्रेस को जिताएंगे? क्यों जिताएंगे? क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए कांग्रेस को। कांग्रेस ने किसानों के इतने काम किया हाँ। जब भी इन्होंने जो वायदे किए वो पूरे किए, किसानों का कर्ज माफ किया, सबका माफ किया, इन्होंने कुछ लोगों का माफ किया। पहले इन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें बोला था कि हम सबका करेंगे, उसके बाद इन्होंने कुछ अलग से निकाल दिया कि हम उन्हीं लोगों का करेंगे जो इस श्रेणी में आता होगा। उसके बाद में ये है कि ये लोग जो राम मंदिर है उसके कहते थे कि हम उसको बनवाएंगे, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। कुल मिला के ये है कि झूठे वादों की सरकार है, झूठे वादों की सरकार है। तो यह है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार क्यों? क्योंकि ये सरकार झूठे वादों की सरकार है, ऐसा लोगों का ऐसा मानना है। वो जनता जनार्दन यहाँ पर अपना मत समाचार एक्सप्रेस को व्यक्त कर रही है कि किस झंडे पर होगा सबसे अधिक रुझान, ये हम जान रहे हैं देश की जनता से और जानते हैं हम लोगों से कि क्या कुछ कहना है। भाई साहब आप सरकार बरकार हमें कोई मतलब ना ने हो, तो मान लो हमारे गांव को काम ना भयो, रेल के फाटक थे मान लो गांव के काज रास्ता ना आते, जब तक रास्ता नहीं है जाई गांव को हम दो एक दिन मीटिंग करेंगे, बहिष्कार करेंगे लोगों से आगे चुनाव के। किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। आप किसी को पूरा गांव नहीं देगा, दो तीन गांव नहीं देंगे। हाँ सरकार है, हम तो बीजेपी के आदमी है और समस्या हमारे गांव में थोड़ी सी है। ये एक तो लाइट वाइट की बिलों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब एक एक लाख रुपए का बिल आ रहा है और डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का बिल आ रहा है, सबका बढ़ के बिल आ रहा है। कितने किलोवाट का मीटर लगाया? किसी का 1 किलो का है उसका भी 2 का कर दिया है, किसी का 1.5 का कर दिया, किसी का 2.5 का कम, और किसी का 1 किलो वाट का है उनका भी 2 किलो का वाट का कर दिया है, तो डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपये बिल आ रहा है। सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आ रही है। तो अनुसूचित जाति में हमारा ये गाँव आता है रामनगर समसाबाद रोड पे, कोई खास विकास नहीं है, ना तो प्रधान जी सुनते हैं ना कोई सरकार भी सुनने में नहीं आती है। बाकी वोट लेने जब आते हैं, जब सब बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये कोई दिया जा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं उनके हाथ काम नहीं दे रहे हैं, उनके नेत्र में रोशनी नहीं है, तो क्या उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा? उनके खाते बंद किए जा रहे हैं जबकि उसमें पैसा उनका जमा है। आपके आधार कार्ड नहीं बने? हाँ आधार कार्ड नहीं बना है। नहीं बनाया था? नहीं बना है। कौन मना करता है जी का? तो जो अधिकारी लोग हैं वो बोलते हैं कि कभी प्रधान से लिखवा के लाओ, कभी SDM से लिखवा के लाओ, ब्लॉक से, तो ये समस्याएं आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब की बार एक नया प्रधानमंत्री चाहिए हमें, जो प्रेजेंट में सरकार है उन्होंने जो वादे किए टोटल ही झूठ है, सिर्फ झूठ। और जो हमारे राहुल गांधी जी है उन्होंने जो बोला चौकीदार चोर है वो बिल्कुल 100% सही है, चौकीदार ही चोर होता है। जिस घर पर कोई भी देख लो, जितना भी जहाँ पे भी चौकीदार रहा है चोरी सिर्फ वही हुई है। बाकी जैसे उन्होंने घोषणा जितनी भी की है, अपना जो मैनिफेस्टो दिया था उसमें टोटल एक भी जो काम था उनका, हम ये काम करेंगे हम वो काम करेंगे, टोटल उसका विपरीत हुआ है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्होंने बोला था कि किसानों की आय दोगुनी कर दो, टोटल ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। जो इतनी भी गाय हैं सांड हैं खुले घूम रहे हैं, लोग तार हैं तारों को लाके लगा रहे हैं खेतों में, ठीक है, फिर भी उनका इतना नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ कोई ना तो कोई ध्यान दे रही है कि किसान कितना हमारा परेशान है। क्या करना चाहिए हमें? 2000 रुपये का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है मोदी जी ने, वो क्या एक चुनावी मुद्दा है? चुनाव वोटिंग के लिए लिया उन्होंने ये? किसी किसान के पास आया है 1% आ गया, 2% आ गया, बाकी गांव से प्रत्येक गांव से देख लो ये उठा के। आपके घर में, आपके गांव में क्या स्थिति है, कितने लोगों के पास में 2000 रुपये की राशि आ चुकी है? मिनिमम मान के चलो तो 1% भी नहीं है। अच्छा 1% भी नहीं आया है, यानी जमीनी स्तर पर ये योजना लागू नहीं है? ओनली डॉक्यूमेंट में है, जो जितनी भी योजना आ रही है वो टोटल डॉक्यूमेंट में है। आपको मिली है 2000 रुपये? कुछ नहीं मिला, बिल्कुल ही है खाली। और बाकी गाँव में अगर देखा जाए औसतन
तो मिनिमम दो या तीन लोगों के पास जो है वो आया हुआ है 2000 रुपए, बाकी और तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि साल में 6000 रुपए यानी कि 4 महीने में 2000 रुपए एक किसान को मिलेगा, वो भी ढंग से मिल नहीं रहा, जो आप जैसा आप बता रहे हैं कि 1% गाँव में मिला है, आप मानते हैं कि ये पर्याप्त है? पर्याप्त कहाँ से हो गया, ये पर्याप्त हो कहाँ से गया है 2000 रुपए? 2000 रुपए में एक मान के बताओ, जब एक DAP का कट्टा आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 1400 रुपए का आ रहा है। किसान 2000 से क्या करेगा? लॉलीपॉप होगी ये तो किसान के लिए, लॉलीपॉप खाओ और मस्त हो जाओ, आओ तो BJP को वोट दे दो, और क्या चाहिए? आप कितने पढ़े लिखे? ग्रेजुएशन है। नौकरी मिली आप? कहाँ से मिली? एक जो फंड है उन्होंने ऐसा लागू कर दिया है, टोटली सिस्टम पूरा उल्टा है। नॉर्मलाइजेशन जो लगा रहे हैं ये प्रत्येक वैकेंसी के अंदर, क्या है इसका मतलब? नॉर्मलाइजेशन का है मतलब क्या? या पहले से ऑलरेडी पहले से जो 60 सालों से परीक्षाएं होती आ रही थी कांग्रेस के टाइम में, उसमें नॉर्मलाइजेशन था कहीं? नहीं था ना। अब ये कहाँ से आ गया? जो बंदा 90% नंबर लेके आ रहा है उसे नॉर्मलाइजेशन दे के पीछे ले दिया गया, और जो कम नंबर लेके आ रहा है वो ऊपर पहुँच के जा रहा है। और प्रेजेंट में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती हुई है, 100 का पूर्णांक होता है उसमें 148 नंबर कहाँ से आ रहे हैं? किस टाइप का नॉर्मलाइजेशन है? तो बंदे को नौकरी कहाँ से मिले? ये तो टोटली घपला है भर्तियों में। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। जिन्होंने हमें बताया है कई सारे पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, या चाहे किसान के मुद्दे की बात हो, चाहे सरकारी अन्य योजनाओं की बात हो, उन्होंने कई ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जो बेहद गंभीर है, जिनमें बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक रही है, और वो खुद एक पढ़े लिखे इंसान है, परीक्षा भी दी है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और भी हम लोगों से जानेंगे क्या कुछ स्थिति है। अब की बार कोई नया प्रधानमंत्री चाहिए। नया चाहिए? मोदी नहीं चाहिए? नहीं, कोई नया चेहरा। जो मोदी तो कहते थे के और किसानों के और जो बेरोजगार हैं उनके बारे में सोचें। तो देश में अच्छे दिन चल रहे हैं आपके हिसाब से? अच्छे दिन आ तो गए। सांडों को घेरो, गैयाओं को घेरो, और अपने खेतों की रखवाली करो। अब यहाँ पर लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सभी खेतों में बैठे हैं, सांडों की रखवाली कर रहे हैं, गैयाओं की रखवाली कर रहे हैं। और जो योजना निकाली है 2000 रुपये, ये इससे तो अच्छा है ये सभी लोग बाबा जी हो जाएं, उनको 6000 तो मिलेंगे। 2000 रुपए से क्या होने वाला है मुझे बताइए? एक DAP का कट्टा नहीं आने वाला, एक यूरिया का कट्टा नहीं आने वाला, क्या होगा? तो ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, वो कह रहे हैं कि 2000 रुपए जो 4 महीने में देने की जो योजना है उससे ज़्यादा अच्छा तो बाबा जी हो जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 6000 रुपए पर महीने कम से कम उनको वेतन के तौर पर मिलेगा तो सही। और भी हम जानेंगे लोगों से कि क्या कुछ कहना है भाई साहब, आप बताइए। अब की बार किसकी सरकार भैया? हम तो जो रहे हैं साइकिल की आनी चाहिए, कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस का साइकिल है क्या? नहीं, साइकिल पे आनी चाहिए, और BAP की आनी चाहिए। अब क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार मोदी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए साहब, मोदी की। मोदी नहीं होना? नहीं सही। नया प्रधानमंत्री चाहिए? हाँ, नया प्रधानमंत्री चाहिए साहब। आपके अच्छे दिन चल रहे हैं? नहीं, खराब चल रहे हैं साहब दिन। अच्छे दिन नहीं आ पाए? नहीं आ रहे दिन। ये काला धन कहाँ गया? बाबा, अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी को जिताएंगे? मोदी को जिताएंगे, उनके काम बढ़िया है देश की खातिर, हमको काम उनका बढ़िया लग रहा है। जो व्यापार ठीक चल रहा है? व्यापार खूब बढ़िया चल रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं किसी बात की, सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति हमको किसी बात की नहीं है, हमको जितना अच्छा लग रहा है वो मोदी सरकार अच्छी लग रही है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार गठबंधन की सरकार। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, हम गली गली घूम रहे हैं, अभी तक हमको कोई रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जब सरकार में आए थे तब कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। हाँ। तो आपके अच्छे दिन आए हैं? बिल्कुल नहीं आए, हम तो और पहले से और बेहतर हो गए। और बेहतर हुए? बेहतर कमजोर हो गए। और कमजोर हो गए? हाँ। क्या समस्या का सामना करना पड़ा? समस्या सामना जी करना पड़ रहा है कि कोई रोजगार नहीं है, कहीं जाओ तो कहते 2000 रुपये नौकरी करो, कहते 500 रुपये नौकरी करो, 2000 रुपये नौकरी में क्या मोदी जी वहाँ पेट भर दें? आप बताइए भाई साहब, किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को देंगे। मोदी को देंगे? थोड़ी सी ना गंती कर दी, का गैया ने की बस, और कुछ ना कर दो गंती। ना गैया ने, गैया ने थोड़ी सी का कहते रुक जा तो का कहते बहुत बढ़िया थी जीते तो। हाँ, पर गैया जी थोड़ी सी परेशानी कर रही है। तो गाय आपका नुकसान कर रही है? बस, और कुछ नहीं हमारा नुकसान, और ना मोदी से कोई परेशानी है हमको। तो गाय जो खेत का नुकसान हो तो वो तो आपके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ना? तो क्या करें, मजबूरी हमारी। तो वोट देना मजबूरी है या नहीं? तो प्रधानमंत्री कोई है नहीं,
और दूसरा कोई है नहीं। ये जो वोट देंगे आप वो मजबूरी में देंगे? नहीं तो वो तो देना ही देना है। और पैसे किसको देते? वैसे क्या कहते हम, क्या कहते कांग्रेस को दे देते। हम और भी भाई लोगों से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मंजीत। वोट आ गई आपकी? हाँ, वोट में दो बार वोट दी थी मैंने, दो बार वोट दी थी। तो इस बार किसको वोट देने? बसपा को। बसपा को? बसपा सपा गठबंधन। गठबंधन को वोट देंगे? हाँ। मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे? मोदी सरकार ने किया ही क्या? हाँ। नोटबंदी प्लस GST और प्लस 15 लाख देने का वादा, क्या वादे पूरे हुए? हाँ। बताओ वादे। जुमले राम मंदिर का, राम मंदिर। हाँ। जब भी चुनाव इलेक्शन आता है, राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ बताओ क्या किया है? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार होगी बहन जी की सरकार। मोदी को नहीं जिताएंगे? नहीं, हम नहीं जिताएंगे। हम नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं देंगे। देखो हमारा तो राजनीति परेशान है। हमारी बस्ती में करीबन 500 घर की बस्ती होगी, इसी में करीबन 100 घर को राशन मिल रहा है। इसमें अंगूठा नहीं आता है किसी का, अंगूठा भी नहीं आता है। राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है। मुझे खुद 4 बार से राशन नहीं मिला है। बताओ इस टाइम पे आधार कार्ड भी नहीं है तो खाता नहीं खुला किसी बच्ची का, किसी लड़के का नहीं खुलेगा, कोई नहीं खुला। आधार कार्ड मैन कर दिया है आपने। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में घूमते हुए आज समाचार एक्सप्रेस आ पहुंचा है एक गांव में, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। ओपिनियन पोल विद जनता में, भाई साहब अब की बार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार बनेगी अब की बार। अब की बार गठबंधन की? जी, जी। क्यों बनाएंगे गठबंधन की सरकार? क्योंकि गठबंधन ने पहले भी यहाँ बहुत सारे काम किए हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने यहाँ समाजवादी पेंशन योजना स्टार्ट की थी, तो उनसे कश्मीरवन उत्तर प्रदेश में 55 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचा था उससे। तो ये योगी सरकार में आप खुश नहीं? नहीं, योगी सरकार में भी कुछ काम नहीं हुआ है हमारे इस क्षेत्र में, फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बिल्कुल भी। जहाँ अभी हम देख रहे हैं जैसे सड़क का जो है वो सड़क का काम नहीं हुआ है। गड्ढा मुक्त सड़कें बोला था? हाँ, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई अभी तक। भाई साहब गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई आपकी? कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी तक उसने तो कोई काम किया नहीं, सब झूठे लाके बोली के अलावा कभी। सब झूठी बनता रहता है। नोटबंदी कर दी उसने, बहुत जनता परेशान रही है। मतलब झूठे वाला कुछ नहीं है, वही गुमराह फिर कर रहे हैं द्वारा। भाई साहब ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता की कुर्सी संभाली थी 2014 में, तो वो कहते थे कि आप अच्छे दिन आएंगे, तो आपको लगता है आपके अच्छे दिन आए? नहीं आए, कोई नहीं आए अच्छे दिन। नहीं आ पाए? कोई नहीं आ पाएंगे उसे अच्छे दिन। नहीं आ पाए, झूठ बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता वो। आप बताइए भाई साहब अच्छे दिन आए? नहीं आए अच्छे दिन। नोटबंदी से बहुत घाटा हुआ है देश को और बड़े लोगों को फायदा हुआ है, गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। मोदी सरकार अब नहीं आएगी। आप क्या काम करते हैं? मैं किसान हूँ। मैं पढ़े लिखे हैं? हाँ। नौकरी मिल रही है आपको? नहीं मिल रही, बेरोजगारी है। बेरोजगारी बढ़ी है इस सरकार में, और गठबंधन की सरकार लानी होगी जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले। और सब किसान परेशान है, सब परेशान है। बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है, कोई नौकरी वोकरी नहीं दे पा रहे हैं। वादा किया था कि 22 लाख नौकरी नहीं देंगे, कुछ नहीं किया है। घोषणा पत्र सिर्फ झूठा वादा थे और कुछ नहीं, जनता को ठगा है इन्होंने। भाई साहब देखे चौकीदार, सब लोग चौकीदार थोड़ी ना बन जाएंगे। कुछ पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, वो चौकीदार थोड़ी ना बनेंगे, इंस्पेक्टर बनना चाहेगा। मोदी जी तो रोजगार बता रहे ना, पकौड़े बेचने का रोजगार। अरे पकौड़े कौन बेचेगा? जो पढ़े लिखे हैं वो पकौड़े थोड़े ना बेच पाएंगे। किसी को आता है बनाना, किसी को नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है शराबबंदी की। गवर्नमेंट ने बोला था शराब बंद कर देंगे, या आधार कार्ड से या किसी भी चीज़ से शराब मिला करेगी, एक पौवा एक क्वार्टर लोगों को। अब तो खुले हम 12 बजे ठेके खुल जाते हैं, 10 बजे रात को 12 1 बजे तक शराब खरीदो। ब्लैक में बिकती बेटा, ब्लैक में बिकती है हर जगह, कहीं से भी ले लो। आप क्या करते हैं? आप क्या? मैं तो बेच चुका रहा हूँ, कुछ भी नहीं करता। पढ़े लिखे? हाँ, इंटर कर रखी है, बेरोजगार हूँ। नौकरी नहीं मिल पा? नहीं, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। जब प्राइवेट ही नहीं है तो गवर्नमेंट कहाँ से मिलेगी? चलो, किसको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। तीसरे मोर्चे की? कौन तीसरा मोर्चा? इस मिल्क गठबंधन की साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल की सरकार बनेगी, लेकिन गठबंधन हो गया ना मायावती और गठबंधन? गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की? गठबंधन की। क्या करते हैं आप? सर बेरोजगार है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, किसान है। किसान है? किसान। तो खुश है आप मोदी सरकार से? अरे कहाँ खुश हैं, ये हर बार चुनाव पे मुद्दा आ जाता है राम मंदिर का, नौकरियां देंगे, कुछ नौकरियां नहीं है, वैसे ही है सब। सरकार अब की बार गठबंधन की आएगी। क्यों आएगी? इसलिए आएगी क्योंकि मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर किसानों के लिए कोई काम नहीं किया,
और किसान इस सरकार में बहुत परेशान रहा है, न तो उसकी उचित कीमत उसके पैदावार की मिली किसान किसी को, और ना ही किसानों ने इतना परेशान किसानों को होना पड़ा है। अब की बार गाय बैल इतने छोड़ दिए हैं कि किसान परेशान हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो शौचालय बनवाए किसानों के लिए गाँव में सबके लिए, वो शौचालय का पूरा पैसा आज तक नहीं मिला है। मोदी सरकार ने झूठ बोल करके कहा कि 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आएंगे, किसी के खाते में कोई 15 लाख रुपए नहीं आए आज तक। लिहाजा इस सरकार से किसान तंग आ गया है और ये हमेशा किसान विरोधी रही है सरकार, लिहाजा ये सरकार अब नहीं चाहिए हमको। तो ये मोदी कहते थे कि किसान की आय को दोगुना कर देंगे, वही आय दोगुना किसानों की इन्होंने नहीं की, और न किसान की कीमत उपज का उचित मूल्य मिल पाया किसी को भी, मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 2000 रुपए 4 महीने में दिए जा रहे हैं, सालाना 6 महीने में सालाना 6000 रुपए आपको दिए जाएंगे हर गरीब के खाते में। आपके गांव में क्या स्थिति है, कितने लोगों को आ चुके हैं, आपके आए हैं क्या, आप अपनी बताइए। हमारे अभी तक नहीं आए, किसी एक हाथ का आ गया हो तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन आए नहीं पैसे किसी के भी। 2000 रुपए 4 महीने में संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्टि नहीं है। 2000 रुपए 4 महीने में आ भी जाएंगे तो उससे होगा क्या, किसान का क्या भला होगा किसान को? किसान तो वैसा बाबू जी, आप बताइए अब की बार किसकी सरकार? भैया गठबंधन की चल रही है, हमें तो मोदी हम जाने हमारे गैया भैया छोड़ दी महाराज खेती में खाचू कहना नहीं रही, बच्चे ने गाड़ खड़वाएंगे हम जहाँ ठाई है पैसा तो कोई ग्लैट नहीं बनवाएगी तो बताए तो पैसा मिलाना एक मां जाओ तो पुलिस पकड़ लेते खेत में तो मत जाए तो फांसी दे बढ़िया है। अच्छा मोदी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आपके अच्छे दिन आ गए? आए हमारे तो अच्छे दिन आएगा, हमारे तो गठबंधन बनेगा। आपके अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आए। आपके अच्छे दिन नहीं? आप खुश हैं मोदी सरकार से? को हम ना खुश आता? आप खुश नहीं है? हाँ। सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्यों इस सरकार से तंग हो गए हैं, इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, उद्योगपतियों को बढ़ाया है। विजय माल्या पैसे लेके चला गया, 30,000 करोड़ उसको अम्बानी को दे दिए, किसानों के खाते में 6,000 के नाम में शून्य आया है, कुछ नहीं आया है किसान, इसलिए इससे परेशान है। 15 लाख रुपए की कहीं 15 लाख रुपए कुछ नहीं आए, गाय बैल से इतने परेशान है कहीं बीघे खेत खा गए। अब ये सरकार नहीं चाहिए, मोदी से तो बहुत परेशान है। तो आप तो जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, मैं बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार तो महंगाई कम हुई आपको लगता है? कम हुई के और ज्यादा मट्टी खराब हो गई, अभी फांसी लगानी पड़ेगी आलू वालों को, आलू की कोई कीमत नहीं, 3 रुपया 5-6 रुपए किलो बिक रहे हैं और दूसरी सरकार में 15 रुपया किलो तो बिके, जहाँ सरकार में अच्छे अच्छे फांसी खाने पर किसान तो बेहाल है, ये सरकार नहीं चाहिए। मोदी सरकार कहती है सबसे ज्यादा खुश किसान बीजेपी सरकार में ही है? अरे बीजेपी सरकार उद्योगपति खुशी है, उद्योगपति को पैसा बांटा है, वो बड़े बड़े वो उद्योगपति पैसे लेके भाग गए हैं, उनको दे दिया, किसानों का नाम मात्र के लिए किसी 100 में से 1 के पैसे आए हैं, किसी के पैसे नहीं आए 2000 रुपए, किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया इस सरकार ने। शौचालय बनाए आपके यहाँ? शौचालय बनाए, पैसे आए नहीं है, 1 किस्से आ गई 1 आई नाने। अच्छा उज्ज्वला योजना जो चली थी, उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिला? नहीं मिला है, हमको नहीं मिला है। सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। किसी को मिल गया है? 100 में से 10 आदमी को मिल गया है, 90 को नहीं मिला है, 10 को मिल गया है और 90 को नहीं मिला है, कहीं कहीं मिल गए, हर किसी को नहीं मिला। भाई साहब क्या नाम है तो आपका? मेरा नाम अनिकेत यादव। अनिकेत यादव, आप क्या करते हैं? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए। कौन सी क्लास में? मेरी ग्रेजुएशन हो गई और मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक फॉर्म भर चुके हैं आप? सर फॉर्म भर चुका हूँ, 2018 का भरा था, अभी तक उसमें मतलब मोदी सरकार में आकर के घपला हुआ है, उसकी वजह से अभी भर्ती पूरी नहीं हुई, अभी एग्जाम होने वाले हैं, 3 महीने बाद डेट आई है, अभी वो भी फाइनल नहीं हुई। कौन से एग्जाम की? SSC CGL। CGL का? जी सर। आपकी वोट आ गई है? यस सर। किसको वोट देंगे आप? सर गठबंधन को वोट देंगे सर। गठबंधन को वोट देंगे? जी सर। प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं है? नहीं सर। क्यों खुश नहीं है? सर अब बेरोजगारी का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारी के लिए उन्होंने अभी तक मतलब निकाली है, लेकिन अभी भर्ती कोई पूरी नहीं हुई, 5 साल होने को आ रही है लेकिन एक भी भर्ती उनकी पूरी नहीं हुई। जी सर, तो इससे अच्छा है कि हम अपने गठबंधन को वोट दें जिससे बेरोजगारी कम हो और देश को नया प्रधानमंत्री मिले जिससे युवा प्रधानमंत्री मिले जिससे बेरोजगारी कम हो।
तो युवा प्रधानमंत्री में कौन चाहिए गठबंधन में से कौन? एक तरफ अखिलेश यादव है, एक तरफ मायावती है, एक तरफ अजीत सिंह है। सर अखिलेश यादव सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हो सकते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री कम उम्र में मुख्यमंत्री बनकर के और ग्रीन बुक रिकॉर्ड नाम दर्ज किया है, तो शायद प्रधानमंत्री बनकर के और अच्छा काम करें वो। अखिलेश से ज़्यादा उम्मीद है जी सर? अखिलेश यादव से हमें बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जिससे पूरे 5 साल के लिए आए सत्ता में तो वो बहुत कुछ करेंगे युवाओं के लिए। तो मोदी सरकार जब आई थी तब कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आपके अच्छे दिन आए? नहीं आए सर, बोला था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा अकाउंट में से बैलेंस और कट जाता है। समाचार एक्सप्रेस का ओपिनियन पोल विद जनता आज यहीं पर समाप्त होता है। अब जैसा कि आपने देखा कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से हमने जाना वोटरों का हाल किस झंडे पर होगा, सबसे अधिक रुझान किसकी होगी सरकार, किसका झंडा रहेगा सबसे ज्यादा ऊंचा, ये लोगों से जाना। नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।